नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे यूएनआई कार्ड के बारे में। यूएनआई में एक अपडेट आया है जिसमें आप जो लिमिट है उसको बैंक में और पेटीएम वॉलेट और अमेज़ोन पे बैलेंस में जो होता है अमेज़ोन वॉलेट में उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए, इस तरह से कुछ आपको होम पेज पे दिख रहा होगा और वहाँ पर आपको लिखा होगा इंट्रोड्यूसिंग, मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूएनआई कैश को द न्यूएस्ट वे टू टू पे यूएनआई ऐप वाया यूएनआई ऐप, यानी कि यूएनआई ऐप से आप पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, 1,000 रुपये की यहाँ पे फ्री लिमिट मिली है जिसमें कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। लेकिन इस तरह से जो होम पेज आ रहा है वहाँ पे आपको दिख जाएगा नीचे टू बैंक ट्रांसफ़र और टू वॉलेट ट्रांसफ़र, दोनों ऑप्शन यहीं पे आपको नज़र आ जाएंगे। जैसे ही व्यू डिटेल पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे और चीज़ आपको समझ आने वाली है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर स्टोरी भी ऐप में लगाई गई है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरह से यूएनआई कैश जिसमें अनलॉक हो जाएगा, आप यूएनआई ऐप का जो लिमिट है वो भेज पाएंगे पेटीएम पे, जहाँ पे सपोर्ट होता है पेटीएम पे और अमेज़ोन पे पे। अमेज़ोन पे पे अभी ऑप्शन आ रहा है, पेटीएम का आने ही वाला है मुझे लगता है, क्योंकि अभी उस पर दिख नहीं रहा है ऑप्शन में जाकर के। अभी उसके बारे में भी बात करते हैं। और देखिए IMPS, यहाँ पे देखिए इंस्टेंट ट्रांसफ़र फंड टू एनी बैंक अकाउंट वाया IMPS। तो जो यूएनआई की लिमिट है उसमें आपको बता दिया जाएगा कि जैसे यूएनआई कार्ड की लिमिट जो है मुझे 20,000 की मिली हुई है, तो उसमें से जो 20,000 है, 20,000 में से 16,000 मैं यूएनआई कैश लिमिट जो है वो यूज़ कर पाऊँगा, जिसमें चार्जेस आपको देना होगा। मुझे यहाँ पे 5% चार्जेस देना होगा, इंक्लूडिंग GST भी लिखा हुआ है, जब मैं पे करूँगा यूएनआई कैश। और यूएनआई कैश लिमिट रीसेट वंस यू पे योर बिल, जब आप बिल पे कर देंगे तो यूएनआई कैश लिमिट उसके बाद रीसेट हो जाएगी, दोबारा से उतनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए प्लीज़ नोट, यहाँ पे जो आई करके यहाँ पे लिखा है उल्टा आई, उसका मतलब होता है कि क्या टर्म एंड कंडीशंस है। तो यूएनआई कैश जो ट्रांजेक्शन होगा वो पे इन फुल होगा, बट इसमें पूरा पेमेंट भी करना होगा और 1% कैशबैक अवेलेबल नहीं होगा। ऑल्सो दे कैन नोट कन्वर्ट टू पे 1/3, यानी कि जो जो भी यूएनआई कार्ड आप यूज़ करते थे उसमें से 1/3 पेमेंट आप कर पाते थे जो भी ट्रांजेक्शन्स होती थी। लेकिन जो आप यूएनआई कैश यूज़ करेंगे पूरा बिल आपको पे करना पड़ेगा विद जो चार्जेस होंगे उसके साथ, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 1/3 नहीं कर पाएंगे, और जो कन्वर्ट आप कर पाते थे जो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता था वो नहीं हो पाएगा। जितना भी यूज़ करेंगे उतना आपको पे करना होगा। तो होम पेज में देखिए बैंक दिख रहा होगा वॉलेट, तो बैंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अकाउंट नंबर और IFSC कोड और नाम लिख के कंटिन्यू करेंगे, ट्रांसफ़र आप करेंगे तो हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो इसमें चार्जेस है वो हो सकता है अलग अलग लोगों को मिले। देखिए यहाँ पर जो ये वाला स्क्रीन है होम पेज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, फ्री लिमिट जो मिली हुई है ये मोहित को मिली हुई है, वहाँ पर 1,000 रुपये वो ट्रांसफ़र कर सकता है, उसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। लेकिन आपको अगर करना है, जो भी लिमिट आपको मिली है यूएनआई कैश की, तो अगर आप करेंगे तो उसमें जो मोहित को मिली हुई है 3% उसका चार्ज लगा हुआ है, मेरा 5% लगा है। तो हो सकता है परसेंटेज जो है वो अलग अलग रहो, और फ्री लिमिट मुझे नहीं मिली है, मोहित को मिली है, तो 1,000 तक वो ट्रांसफ़र कर सकता है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर मैं करूँगा, जो मुझे लिमिट मिली है 16,000 की, उसमें 5% आपको देना होगा। और साथ ही साथ आपसे ये भी बात करना चाहूँगा, जो यहाँ पे आप स्क्रीन देख रहे होंगे और पूरा डिटेल में वहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो यूएनआई कैश जो है वो 16,000 है, और उसमें 5,000 कन्वेंस 5% कन्वेंस फीस विथ इन GST इंक्लूड होगा, और ट्रांजेक्शन फुल करना होगा, फुल पेमेंट उसकी करनी होगी, और उसका जो 1/3 EMI है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। बट इमरजेंसी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा और अदर प्लेटफॉर्म से जहाँ पे थोड़ा कम अमाउंट में ही आप पेमेंट कर पाएंगे, जैसे जो रेंट पेमेंट वगैरह है वहाँ पे जाएंगे तो 2% 3% में आपको मिल जाएगा, अगर मैं कंपेयर करूँ अपने 5% के हिसाब से। तो इस वीडियो इतना ही, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये अपडेट भी था यूएनआई कैश जो अभी लॉन्च हुआ है, न्यूएस्ट मतलब नया नया तरीका है पेमेंट करने का, जिसमें आपको 5% चार्ज के साथ किसी भी बैंक में, और अभी जो पेटीएम और अमेजोन पे वहाँ पर अमेजोन वॉलेट दो जगह ये सपोर्ट करता है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मुझसे कुछ रह गया हो तो कमेंट करिए ताकि लोगों को पता चले, मुझे भी पता चले। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।